धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने का विधान है, पर एक खास चीज और है जिसे खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आज की इस वीडियो में हम उस खास चीज के बारे में बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए लोकल 18 ने देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुदगल से बात की है। उन्होंने हमें एक ऐसी चीज के बारे में बताया जिसे खरीदने से आपके जीवन में सब कुछ मंगल होने लगेगा। तो इस बारे में ज्योतिषाचार्य ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। धनतेरस को नमक झाड़ू खरीदने की परंपरा है। झाड़ू को तो लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, और नमक जो है वह नमक घर के नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। ऐसे शास्त्र में भी वर्णन है और वैज्ञानिक महत्व भी है कि नमक डाल करके घर में पोछा लगाने से घर में सबसे पहले कीड़े मकोड़े मरते हैं नमक से, और नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा जो है वह समाप्त होता है नमक से। और अपने दिनचर्या में भी नमक का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए नमक को सबसे बड़ा औषधि मान करके धन्वंतरि एकादशी उस दिन त्रयोदशी उस दिन है, तो धन्वंतरि त्रयोदशी के दिन आप नमक यदि खरीदते हैं तो आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होता है। इसलिए धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में नमक अवश्य करें। धनतेरस का त्यौहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, इसके लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर लें। इस साल धनतेरस पर 3 शुभ मुहूर्त हैं जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। पहला मुहूर्त सुबह 7:50 से लेकर 10 तक है, ये वृश्चिक लगन है। दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 2 से लेकर 3:30 तक है, जो कि कुंभ लग्न है। वहीं तीसरा शुभ मुहूर्त शाम को 6:36 से लेकर 8:32 तक है, जो कि प्रदोष काल है। इन तीनों समय में खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाएगा। ध्यान रखें, इस बार सोना चांदी ही नहीं, साथ ही नमक की भी खरीदारी करें। अगर आप किसी सवाल का जवाब चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल 18।